ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पास होने वाले कोकण छात्र छात्राओं को एक संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया है। मुंब्रा के जमजम हॉल में कोकण सामाजिक संस्था अंजुमन दर्दे मंदाने तालीम तरक्की की तरफ से जाकिर सालवे, आशिक गर्वी, गुलाम सरफरे, नियाज नकवा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कोकण समाज के सेवक बशीर अजवानी, मुफ्ती रफीक पुरकर ऐसे और भी कई लोग मौजूद थे। लगभग 47 छात्र छात्राओं को जो 75% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उन्हें इस कार्यक्रम में ट्रॉफी और पुष्प गुच्छ और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। प्रोग्राम रखने का मकसद खास और खास यही था कि जो हमारे बच्चे एजुकेशन में हाईएस्ट आए हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, उनकी कुछ हम हौसला अफजाई करें। अगर हम उनकी कुछ हौसला अफजाई करेंगे तो यही बच्चे आगे और तालीम में दिलचस्पी लेंगे, और जब दिलचस्पी लेंगे और शौक से पढ़ेंगे तो यही लोग हमारे कौम का और हमारे कौम के लिए एक सरमाया बनेंगे। इसी के वजह से हमने ये प्रोग्राम आज रखा था कि बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे तो और शौक से पढ़ेंगे और ये कौम के लिए सरमाया बनकर निकलेंगे। जो 10वीं के जो बच्चे थे वो लगभग 45 बच्चे थे, और जिसमें से जो हाईएस्ट बच्ची थी और वो मुंब्रा से थी और उसने 98% ली, और वो भी एक डॉक्टर की बच्ची थी। और इससे एक बात और वाजे हो गई कि मुंब्रा को बदनाम तो किया जा सकता है, लेकिन मुंब्रा के जो नमूने हैं वो भी दुनिया देख रही है और दुनिया के अंदर पेश हो रहे हैं। मैं टोटली सपोर्ट करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। हमने भी एक 12 तारीख को सैटरडे को ऐसा फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रखा है कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे प्रोग्राम जरूर होना चाहिए, तो बच्चों को इंकरेजमेंट मिले, बच्चों को सपोर्ट मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सपोर्ट कर सके यही देखना चाहे। नॉट ओनली फेलिसिटेशन करके यहाँ तक महदूद रहना चाहे, हमें देखना चाहिए कि हम जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कितने सपोर्ट कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके उन्हें आगे तक कैसे ले सके हायर एजुकेशन तक, यही हमें करना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन सोसाइटी है BM हजवानी फाउंडेशन, हम दो ही चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, एक है मेडिकल और दूसरा है एजुकेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो फोकस है वो एजुकेशन के ऊपर है, और हमेशा हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि एजुकेशन के ऊपर जो बच्चे ऐसे होशियार बच्चे हैं जो जिनको जैसे आपने फरमाया जो फाइनेंशियल की वजह से आगे नहीं पहुंच सकते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले हमारे एजुकेशन के अपना सोसाइटी की वजह से, और वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं कालसागर कॉलेज से हूँ और मुझे अवार्ड HSC में 90.62% आने के लिए मिला है, और मैं विजन क्लासेस से पढ़ी हूँ। ये जो भी है ये एजाज सर की वजह से है, उन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की, हमारे लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज अरेंज किए हैं, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज किया, मोटिवेट किया, बहुत अच्छा गाइडेंस, बहुत अच्छे लेक्चर्स मिले हैं हमें वहाँ से। मैं भी कालसागर कॉलेज से हूँ, आर्ट से 80.62, और मैं रिलायबल क्लासेस से पढ़ी हूँ, और बहुत अच्छा कॉलेज था, बहुत ज़्यादा मेहनत की हम लोग ने पूरा साल, और मैं जानती हूँ मेरा स्ट्रगल कि कॉलेज में कैसा था और क्लासेस में कैसा था। जो भी हूँ सबको थैंकफुल हूँ, मम्मी डैडी को थैंकफुल हूँ, बस थैंक यू। कुछ सपना है आपका बनने का? हाँ, मेरे को टीचर बनना है और MA करना है, तो अभी बस वो इसके लिए प्रोसीजर करूँगी और वही सब है। थैंक यू। क्वीन मैरिज से हूँ और मुझे 86.92% मिला है, और जैसे इसने सायमा ने बोला कि वो विजन से थी, मैं भी उसी के साथ थी, और लिटरली सर ने बहुत हमारे पीछे मेहनत की थी, जो इसने बोला एकदम सही बोला, उनकी सब मेहनत का नतीजा आगे CA करना है इंशाल्लाह। मेरा नाम उम्मेहानी एजाज जाते हैं, मेरा अच्छी कामयाबी मिली इसने मुझे मिला। मैं अब्दुल्ला पटेल इंग्लिश हाई स्कूल DRT कॉलेज से हूँ। मेरा बहुत खुशी हुई, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे अच्छे नंबरात से कामयाबी अता की। इस कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई भी की गई, साथ ही इन्हें आगे और किस तरह से पढ़ना है, किस तरह और भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना है, क्योंकि सिर्फ 10वीं और 12वीं पास करना ही नहीं, आगे और कैसे पढ़ाई की जाए इसके बारे में इन छात्र छात्राओं को जानकारी भी दी गई। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।